हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे दाल मखनी और बटर नान। सबसे पहले हम नान के लिए आटा लगा लेते हैं। इसके लिए हमने लिया है 500 ग्राम मैदा, 200 ग्राम दही, एक इनो का सैशे और 2 कप पानी। और अब हम इसे अच्छे से मिलाकर आटा लगा लेंगे। अब हम बने हुए डो के ऊपर एक चम्मच रिफाइंड डाल देंगे और इस डो को 2 घंटे के लिए गीले कपड़े से ढककर छोड़ देंगे। अब हम बनाएंगे दाल मखनी। सबसे पहले हमने लिए हैं 50 ग्राम राजमा और 300 ग्राम साबुत काले उड़द। ये हमने गर्म पानी में आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। अब हम राजमा और साबुत काले उड़द को कुकर में डाल देंगे। इसमें डालेंगे आधी चम्मच नमक और 3 ग्लास पानी। और कुकर को बंद करके सीटी आने देंगे। पहले 2 सीटी तेज गैस पे, फिर 7 से 8 सीटी सिम गैस पे। हमारी दाल अब अच्छे से पक गई है, इसे थोड़ा मैश कर लेंगे। अब बनाएंगे दाल के लिए ग्रेवी। अब हमने कढ़ाई में 1/2 कप रिफाइंड ऑयल लिया है। इसके गर्म होने पे हमने इसमें डाले हैं 2 तेज पत्ते, 3 कटी हुई प्याज और 3 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको अच्छे से ब्राउन करके इसमें हम डालेंगे 5 कटे हुए टमाटर। अब हमने इसमें डाला है 1/2 कप पानी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, 1.5 चम्मच नमक, 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 2 चम्मच धनिया पाउडर और इसमें 1/2 कप पानी डाल के अच्छे से मिला देंगे। इसको 5 से 7 मिनट तक सिम गैस पे पकने देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मसाले ने तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे पकी हुई दाल। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 ग्लास गर्म पानी और दाल मखनी को 10 से 15 मिनट तक सिम गैस पर छोड़ देंगे। जब तक हमारी दाल मखनी अच्छे से पक रही है, हम इसके लिए तड़का बना लेते हैं। सबसे पहले फ्राई पैन में आधी मक्खन की टिक्की डालेंगे। उसके गर्म होने पे हम डालेंगे 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच हरा धनिया और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारा तड़का रेडी है। अब तड़के को हमारी बनाई हुई दाल मखनी में डालेंगे। अब हम डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और धनिया। हमारी दाल मखनी एकदम रेडी हो गई है। अब हम बनाएंगे बटर नान। हमारा नान का डो रेडी है। इसको अब हम 5 मिनट अच्छे से मिला लेंगे। और हम नान के लिए डो लेंगे। और अच्छे से राउंड कर लेंगे। और इस पे रिफाइंड लगा के इसे बेल लेंगे। हम यहाँ बना रहे हैं बटर नान, लेकिन अगर आपको आलू प्याज गोभी या पनीर नान बनाना है तो वो भी आप फिलिंग करके बना सकते हैं। और अगर आपको वो भी सीखना है तो आप हमें कमेंट करके नीचे बता सकते हैं, हम उस पे भी एक वीडियो बना देंगे। अब हमने इस पे लगाया है फ्रेश धनिया। धनिया लगा के हल्के हल्के से प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से धनिया डो में चला जाए। अब इसको हाथ में लेकर इसकी दूसरी साइड पर अच्छे से पानी लगा देंगे, जैसे कि तंदूर में लगता है। अब इसको पानी वाली साइड से गरम तवे पे रख देंगे और हल्के हल्के से दबा देंगे। अब हमारा नान फूलना स्टार्ट हो गया है, मतलब ये तवे वाली साइड से सिक गया है। अब हम इसे दूसरी साइड से सेकेंगे।
इसके लिए तवे को उल्टा कर देंगे और चारों तरफ से सेक लेंगे ताकि हमारा नान कहीं से भी कच्चा नहीं रहे। नान पे पानी इसलिए लगाया था ताकि जब हम इसे तवे को उल्टा करके सेके तो ये तवे से निकले नहीं। अब हमारा नान अच्छे से सिक गया है। इसको तवे से हटा के देखते हैं परफेक्टली सिक गया है या नहीं। ये परफेक्टली सिक गया है। अब हम इस पे बटर लगाएंगे। अगर आपको थोड़ा स्पाइसी नान खाना है तो आप डो पे लाल मिर्च और धनिया लगा के वैसे ही सेक सकते हैं। अब दाल मखनी में डालेंगे फ्रेश क्रीम। हमारा बटर नान और दाल मखनी रेडी है। बटर और क्रीम को मिला लेंगे। बटर और क्रीम को मिलाने से इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। चलो अब हम टेस्ट करते हैं। इसकी फुल रेसिपी विद एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।